नमस्कार साथियों, मैं रीता सिंह चंबल प्रभा न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में आ रहे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। अब बड़ी खबर है, धौलपुर जिले के महाकाल की नगरी सरमथुरा में बसेड़ी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी छितरियालाल जाटव के समर्थन में आए किरोड़ीलाल मीणा ने चुनावी सभा में प्रद्युम्न सिंह, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राहुल गांधी समेत आधा दर्जन नेताओं पर साधा निशाना। आप भी सुनिए। एरिया में काम करते थे और अकेले दलजीत सिंह चीकू का कब्जा था, तो मैंने एक नारा दिया था, चाहे मैं जीतू या हारू, जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको खान का अधिकार दिलाऊंगा। अब मैंने अधिकार दिला दिया, जिसको 2000 मिलते थे, 3000 मिलते थे, वो 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। मेरे को बड़ी खुशी है कि आप लखपति बन गए, बड़ी खुशी है। लेकिन अगर राम खिलाड़ी बैरवा जीत गया, ये गांठ बांध के जाओ, मयंकाल बाबा की कसम खा के जाओ, अगर दलजीत सिंह कहने से चीकू को वोट दे दिया और किसी गलती से आपने राम खिलाड़ी बैरवा जिता दिया, तो आपका पूरा एरिया दलजीत सिंह अपने कब्जे में ले लेगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं सच्ची बात कह रहा हूं। और भैया सुन लो, ये तो गरीब मास्टर है, इसके तो पेंशन के पैसे भी गए बेचारे के, कुछ नहीं बचा। पिछले चुनाव में बर्बाद हो गया, मेरी पार्टी के पैसा नहीं था तो मैं भी चंदा नहीं दे सका। अब जो खिलाड़ी पैरवाया है वो बड़ा पैसे वाला है, तेल का घोटाले करने वाला आदमी है, बड़ी बड़ी होटल है। और जब एमपी रहा था तब आप सबको पता है उन्होंने बलवारीलाल की ऐसी तैसी की, प्रद्युम्न सिंह की, मलिंगा की, किसी का मान सम्मान नहीं किया। और वो बाहर का आदमी आपके इलाके पे कब्जा करना चाहे, किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसका क्या लेना देना यहाँ पर? अरे वो था उधर सवाई माधोपुर जिले का, तो उसे उधर से लड़ता, लेकिन यहाँ आ गया। सुन लो भाई, दलजीत सिंह चीकू और खिलाड़ी बैरवा, यहाँ सरमथुरा और बसेरी की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि बाहर के आदमी को घुस जाने दे, कतई घुसने नहीं देगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि छितरिया जी को आपको आशीर्वाद देना, और ऐसा आशीर्वाद देना है कि पूर्वी राजस्थान में कोई भी इतने वोटों से जीत के नहीं जाए जितने वोटों से मेरा छितरिया भाई जीत के जाए। अब कांग्रेस सपना देख रही थी, कह रही थी राज हमारा आएगा, अरे तुम्हारा राज कहां से आएगा? तुम तो आपस में लड़ रहे हो, गहलोत तो सचिन पायलट के उम्मीदवारों को हरा रहा है और सचिन पायलट गहलोत के उम्मीदवारों को हरा रहा है। और कई बार तो मेरे पास फोन आते हैं कि फलाने आदमी को टिका देना, मैंने कि मेरा काम टिकाना ही है, चिंता मत करो मैं टिका दूंगा। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले, डॉक्टर केवलाल बीजेपी में आ गया, तुम्हारा दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो बीजेपी में ही था, मैं तो झाज का पंछी झाज में आके बैठ गया। आपने कई बार देखा है जब झाज समुद्र में चलता है तो उसमें पंछी बैठा रहता है, वो जाता है झाज में से उड़ के समुद्र का विचरण करके वापस झाज में आके बैठ जाता है। मैं वापस अपने झाज में आके बैठ गया, मैं कांग्रेस में तो नहीं गया ना। और कांग्रेस का राहुल गांधी क्या कहता है? गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर। देश के प्रधानमंत्री को, जो चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक गरीब व्यक्ति, उसको गांधी परिवार बर्दाश्त नहीं कर रहा और उसको चोर कह रहा है। चोर की गाली देकर
उसने देश की 125 करोड़ जनता का अपमान किया है, राहुल गांधी ने बसेड़ी की जनता का अपमान किया है गाली के। उस गाली का बदला लेना है।